दिल्ली की जो माता बहनें होती हैं, वो कैसे पानी के लिए एक दूसरे के पीछे भागती हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो जुमला दिया था कि मैं सत्यवादी हूँ और मैं हरिश्चंद्र हूँ, शराब घोटाले ने पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का सच सामने ला दिया। जो इतना बड़ा रिवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने गांव बना दिया। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो प्रचार प्रसार की सरकार है, तो आपको लगेगा केजरीवाल ने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। दिल्ली को स्वर्ग तो नहीं बनाया, पर दिल्ली वालों को स्वर्गवासी बना दिया। केजरीवाल आज अंधों में काने राजा हैं, बीजेपी ग्राउंड में है नहीं, कांग्रेस है नहीं, हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। 70 में से अगर हमें 70 अच्छी महिलाएं मिल जाएंगी, हम 70 अच्छी महिलाएं भी उतार सकते हैं। नमस्कार, सत्य खबर पर आपका स्वागत है। सत्य खबर लगातार राजनीतिक गतिविधियों को लेकर फील्ड में है। हाल ही में हरियाणा के चुनाव संपन्न हुए, तो हमने बहुत बेहतर तरीके से लोगों तक, अपने दर्शकों तक तमाम राजनीतिक गतिविधियां पहुंचाने की कोशिश करी, और आगामी महीनों में इसी तरह की राजनीतिक गतिविधियां, यानी चुनाव होने वाला है फरवरी माह में, और उन चुनाव को देखते हुए हमने दिल्ली डेरा डाल दिया। आज हमें सुल्तानपुरी, और सुल्तानपुरी में एक युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी के संयोजक हमारे साथ हैं, भूपिंदर सिंह। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नई पार्टी बनाई है, ये दिल्ली सरकार यानी आप पार्टी जो अभी हाल ही में दिल्ली में है, और केंद्र में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली ही उसका सब कुछ सेंटर होता है एक तरह से, तो ये इन दोनों पार्टियों के साथ दो दो हाथ करने के लिए, बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए भूपिंदर जी शायद आप तैयार हैं। जी, जी, जी। मेरी आपसे पहली मुलाकात है, मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इतनी बड़ी ताकतवर पार्टियों से मुकाबला करने के लिए आपकी पार्टी का हाल ही में मतलब एक तरह से जन्म हुआ, जी, जी, तो जी, क्या लगता है कैसे दो दो हाथ होने वाले हैं इस बार चुनाव में? देखिए, पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि जब मन में सच्चाई होती है और आपको ये पता होता है कि समाज में समस्या बहुत है, सरकारें आई, दिल्ली में पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, केजरीवाल ने 10 साल राज कर लिया, बट आज भी जो मूलभूत सुविधा है लोगों की, सड़क हुआ, पानी हुआ और प्रदूषण हुआ, इससे आज भी जो है निजात दिल्ली को नहीं मिली है। आपको जान के बहुत दुख होगा कि दिल्ली में कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पे शौच के लिए महिलाओं को 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, 50 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर, आप उनसे पूछिए कि कल जब दिवाली में AQI 400 के पार हुआ, तो जो अस्थमा के और ब्रोंकाइटिस के, एम्फाइसेमा के जो पेशेंट्स हैं, वो कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं? और जब गर्मी होती है, भीषण गर्मी होती है, तो मेरी दिल्ली की जो माता बहनें होती हैं, वो कैसे पानी के लिए एक दूसरे के पीछे भागती हैं, कैसे एक एक बूंद के लिए हम तड़प जाते हैं, और वही जब जुलाई अगस्त में बारिश आती है तो वो पानी उनके घर में घुस जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो जुमला दिया था कि मैं सत्यवादी हूं और मैं हरिश्चंद्र हूं, वो जुमला साबित हो गया। जो पीछे घोटाले हुए, चाहे शराब घोटाला हुआ हो, बहुत सारी चीजें, और शराब घोटाले ने पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का सच सामने ला दिया, कैसे 25 साल अल्कोहल पीने की एज को सिर्फ पैसा कमाने के लिए इनने 21 साल कर दिया, जो प्रॉफिट मार्जिन सरकार 5% देती थी उसको 12% कर दिया। मेरी माता बहनों पे उस वक्त चाहे बलात्कार हो, चाहे मारपीट हो, क्या केजरीवाल सरकार को पता है कितने ज्यादा प्रकरण जो है वो ज्यादा हुए? सिंह साहब बीच में टोक, चौरसिया सॉरी जी, ये इतने सारे मुद्दे हैं, 10 साल से जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी ने लोगों के दिल में ऐसे बसे कि वो दो बार राज करने में कामयाब हो गए, ऐसी पार्टी से जो सब कुछ मुफ्त देने की बात करती है, आपकी पार्टी तो कल पैदा हुई है, कैसे टक्कर देने वाले हैं? बहन जी देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी एक जुमला देते हैं कि मैंने बिजली जो है उसको मुफ्त कर दी। मैंने बिजली इस तरीके से मुफ्त कर दी कि मैं 200 यूनिट तक बिजली दे रहा हूँ। हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब हमारी सरकार आती है तो हम 600 यूनिट तक फ्री देने वाले हैं। पहली चीज, आपने कहा है कि हम सिर्फ महिलाओं को फ्री बस देंगे, मैं कहता हूं कि दिल्ली के हर नागरिक को हम बस जो है वो मुफ्त कर देंगे, पर हम सबसे पहला हमारा जो बुनियादी है स्वास्थ्य, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, आज दिल्ली में MNCs नहीं है, सारी की सारी MNCs जो है वो आपके हरियाणा गुड़गांव की तरफ है या नोएडा की तरफ है। जो इतना बड़ा रिवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने गांव बना दिया।
यमुना के बारे में कहा था कि यमुना में मैं डुबकी लगाऊंगा। हाँ, आज आज एक दावेदार से बात कर रही थी, उन्होंने भी यही कहा। मेरी सहयोगी मुकेश है, मुकेश जब हम हरियाणा से दिल्ली में एंट्री किया तो आप एक बार उन बारे में बता भी सकते हो, पूछ भी सकते हैं। जब हमने जैसे हरियाणा से यहाँ दिल्ली के लिए आए, ऐसे तो जैसे हरियाणा में आप जब जाओगे तो रोडों को देखकर आप मन, मतलब आपका दिल नौशावर हो जाएगा कि हरियाणा जैसी जगह नहीं है। लेकिन जब दिल्ली का तो नाम है, जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं तो कहते हैं दीव राजधानी है, हर के मतलब बच्चे बच्चे के नाम पे है। लेकिन जब हमने यहाँ एंट्री की, उनकी रोडों की गलियों की हालत देखी, तो मतलब हमारे मन से ये निकल रहा था कि कहाँ आ गए। मैं यही बताना चाहता हूँ, एक्चुअली अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो प्रचार प्रसार की सरकार है। ये सरकार पिछले 10 सालों में कम 1,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ अपने प्रचार पे इस्तेमाल कर चुकी है। आप हरियाणा में बैठ के जब टीवी देखते हो तो आपको लगेगा केजरीवाल ने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया। दिल्ली को स्वर्ग तो नहीं बनाया, पर दिल्ली वालों को स्वर्गवासी बना दिया। चाहे आप पर्यावरण का मुद्दा देख लो, चाहे आप देखो अभी पीछे 1 से 1.5 महीने पहले, आप समझिए पहली बार ऐसा हुआ कि करोल बाग में बेसमेंट के अंदर पानी भर के 3 UPSC छात्रों की मौत हुई। एक बच्चा बिजली के करंट लग के जो है यूपीएससी छात्र, उसकी मौत हुई। तो मैं ये कहूंगा केजरीवाल जी ने, केजरीवाल आज अंधों में काने राजा हैं, बीजेपी ग्राउंड में है नहीं, कांग्रेस है नहीं, और कहने को मैं ये कहूंगा तीनों पार्टियां हमाम में नंगी हैं। मैं एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं, मैं MBBS रजिस्टर्ड डॉक्टर हूं। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौरसिया जी, वो आपके इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। हमारी पार्टी के और भी काफी लोग हैं, रोहित जी जो हैं ये खुद UPSC एस्पिरेंट रहे हैं, बहुत टैलेंटेड है। ऐसे हमारी पार्टी में दिल्ली में आज हजारों लाखों लोग, ईमानदार लोग जुड़े हुए हैं। और मैं पीछे भी कई मुद्दों पे हमने केजरीवाल सरकार को घेरा हो, चाहे सिविल डिफेंस का मुद्दा रहा हो, 10,500 सिविल डिफेंस वालों को दिल्ली सरकार ने बेरोजगार कर दिया, हम उनके साथ खड़े रहे। और ऐसे काफी मुद्दे थे जिसमें युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी रही है। और एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि हम कैसे इन पार्टियों का सामना करेंगे। हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास आत्मविश्वास है, हमारे पास एक विजन है, और हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों की दिक्कतें हमें पता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी आप मेरे कैमरे पे आए, और हम फर्स्ट टाइम आपकी पार्टी का जब मैंने नाम सुना तो इतनी सी छोटी उम्र में और दिल्ली जैसे स्टेट में पार्टी बनाकर आप धुआंधार बैटिंग बॉलिंग का जो दावा कर रहे हैं, ये लगता है कि आपको 2025 आने वाला आपका चुनाव, उसमें किस तरह का मतलब आप फाइट कर पाएंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि हमारी पार्टी का नाम ही युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें भारत की तो सबसे युवा देश है भारत। हाँ। पर युवाओं को यहाँ पर सिर्फ कुर्सी बिछाने, दरी बिछाने का काम मिले जा रहा है। वो युवा जो आज देश के लिए नई राह खोल सकते हैं, देश में इनोवेशन ला सकते हैं, उन युवाओं को सिर्फ नारे लगाने में लगा दिया गया। मैं ये बोलना चाहूंगा हम लोग सारे युवाओं को संगठित करके, युवा भी हैं साथ में हमारे इसमें एक्सपीरियंस भी है, तो एक्सपीरियंस और युवाओं का जो जोड़ है पार्टी के बारे में मैं 2-3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। हमारी पार्टी का सबसे पहला जो ये लक्ष्य है वो ये है, ये पार्टी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये, 50% सीट्स हमेशा युवाओं के लिए रहेगी इस पार्टी में। जी मैं एक और बात पूछना चाहूंगी, आपने जैसे इन्होंने बताया कि भी पहल की, महिलाओं का बहुत योगदान रहता है, युवाओं को नारे लगाने में लगा दिया और महिलाओं का भी चूल्हा चौका संभालो, लेकिन उनकी जो वोट की जो उनकी भागीदारी है तो उसमें दावेदारों की भी भागीदारी या जो आपके प्रत्याशी होंगे वो कितनी होंगे? देखिए हमारा ये है कि जो युवा है, अगर हम युवाओं की बात करें, हमने 50% आपको बताया, महिलाओं का हमारा ये कि हमारे को ये कि जितने ज्यादा से ज्यादा महिला मिलेंगी हम उन लोगों को देंगे। स्पेसिफिकली नहीं कि अगर हम लोगों को 70 में से अगर हमें 70 अच्छी महिलाएं मिल जाएंगी, हम 70 अच्छी महिलाएं भी उतार सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने उनके लिए फिक्स नहीं कराया, क्योंकि आज महिलाओं की अगर हम बात करें तो दिल्ली की राजनीति देखी जाए या दिल्ली की वोट देखा जाए तो जो महिलाएं हैं वही दे रही है, और महिलाएं ही प्रताड़ित है। मैं खुद के बारे में आपको बताना चाहूंगा, चूंकि मैं आरकेपुरम से खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, आरकेपुरम की लगभग उसमें 23 जो है आपकी जे कॉलोनीज बोल रहे हैं, वहां पर की स्थिति ये है कि उन लोगों को, महिलाओं को रोड पे जाके अपने बेसिक जो वो होता है टॉयलेट वगैरह उसके लिए जाना पड़ता है। जब मैं उनसे जाके मिला, ये 4 दिन पुरानी बात बताऊंगा आपको, दिवाली से 1 दिन पहले की, जब मैं उनके पास जाके मिला तो उन्होंने जो मुझे व्यथा सुनाई कि भैया हम लोग जाते हैं रोड पे और लड़के आके हमारे वीडियोस बनाते हैं, मतलब मुझे इतना ज्यादा ये लगा कि आज दिल्ली में हम राजधानी में, वो भी सेंट्रल साउथ दिल्ली में आरकेपुरम के पास में ये स्थिति हो रही है।
सरकार यहाँ पूरा केंद्र यहाँ से चल रहा है, उसके बाद और आपके आम आदमी पार्टी 10 साल यहाँ पर सरकार चलाते हुए हो गई, आप बेसिक नेसेसिटी नहीं पहुंचा पाए। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, बेसिक लोग जो है यहाँ के हैं ना सोना मांग रहे हैं ना चांदी मांग रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं पीने का पानी दे दो, जाने के लिए टॉयलेट दे दो। हम लोग की बेसिक जो है अगर काम पे जाना चाहते हैं तो भाई हमें ये ना हो कि पानी पीने के लिए ही नहीं है, दिन भर पानी पीने की लड़ाई हो गई, उसके बाद में जब टॉयलेट के लिए सुबह आप मानिए कि अगर 1000-1200 लोगों की अगर जनसंख्या है तो उन लोगों पे 5 टॉयलेट है। ये सारी चीजें जैसे आपने देखी, आपने को होमवर्क कर लिया, क्या आपने प्रत्याशियों की भी लिस्ट बना दी, क्योंकि 70 विधानसभा की सीटें, जब आपने सारा ये सब चीजें होमवर्क कर लिया और सारी चीजें जो नेसेसिटी वो भी देख ली, तो दावेदार और प्रत्याशी सब तैयार हैं? देखिए दावेदारों की अगर मैं बात बताऊं तो पूरा संगठन दिल्ली रूप में तैयार हो गया है, बहुत सारे जो है खुद जो लड़ रहे हैं वो ऑलरेडी अपने ग्राउंड पे उतर चुके हैं, अपना काम चालू कर दिया है, और जहाँ प्रत्याशी अभी फाइनल नहीं हुए वहाँ हमारा संगठन काम कर रहा है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ जो नई पार्टी है युवा भारत राष्ट्र सेवा पार्टी, और इन्होंने बताया कि भी हम किस तरीके से काम करेंगे और जो दिल्ली के अंदर इलेक्शन है वो किस तरीके से हम लोगों को मनाएंगे, और इस पार्टी के अंदर वोटिंग का जिस तरह भी जो भी प्रोसीजर है वो सभी इन्होंने सत्य खबर पर शेयर किया। कैमरामैन कमल के साथ मुकेश गहलोत की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।